गाइस वेलकम टू आवर चैनल इशरत फैमिली ब्लॉग्स। तो कैसे आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह से आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बस थोड़ी थोड़ी है, थोड़ा थोड़ा दर्द अभी भी है। अभी मैं आपको बताती हूँ, मैं और साजिद मिलके बताएंगे मेरे को क्या प्रॉब्लम हो गई है दांत में। गाइस और साजिद ने बाहर से पिज्ज़ा लाए। गाइस तो साजिद बोलते लास्ट लास्ट खा लो, बहुत अंदर ही ना अंदर इतना बड़ा गोश्त का ही हो गया। तो वो है ना बहुत फन के मारते गाइस। मैं और साजिद आपको बताएंगे मुझे क्या प्रॉब्लम है। गाइस कौन से तरफ से दर्द रहा है? लेफ्ट में दर्द दे रहा है, राइट से आप खा रहे हो तो सब कुछ राइट से ही कर रहे हो। और ये देखो शम्स झूला झूल रहा है यहाँ पे, का झूला देखिए। शाज अब भी उठा है और हंस रहा है, ये भी झूला झूल रहा है और ये भी झूला झूल रहा है। दोनों बच्चे झूला झूल रहे हैं, छोटा पापा एक बड़ा पापा। लास्ट लास्ट खा रही है, कब खाने मिलता क्या मालूम। खाया नहीं जा रहा है फिर भी ढूंसे जा रहे हैं मुँह में। मैं बोली थी या मैं बताई थी ना कि मेरा ऑपरेशन है, तो उसके बारे में ही बताने आई हूँ कि मुझे डॉक्टर ने क्यों ऑपरेशन बोला, ये कब से प्रॉब्लम हो रही है मुझे और रिपोर्ट में क्या आया है। हाँ एंड रिपोर्ट में क्या आया है वो बता रहे कंपल्सरी है ना। तो मेरे को डॉक्टर ने बोले थर्सडे का ऑपरेशन किया, थर्सडे का साजिद ने अपॉइंटमेंट ले लिया। वो बाहर से डॉक्टर आते ना सर? हाँ अपॉइंटमेंट मिल ही नहीं रहा था, मैंने बोला कि और जल्दी कर लो, तो आज तो है मंडे तो जल्दी भी नहीं हो पा रहा था। मम्मा बोले क्या उनका भी ऐसे हुआ था, तो उनको मम्मा को 60 टाके आए थे, तो वो बोलते पूरा उनका ये ऐसे ना अभी तक सुन ले। मेरे को डर लग रहा है, मेरे ऑपरेशन तो हुए ये बैक साइड पे ना, इधर भी ले दांत का भी लेफ्ट हैंड पे, हाथ का भी लेफ्ट हैंड पे ही है। जब से ना एक गांठ आई थी, चर्बी की गांठ बोलते हैं ना इसे, फैट लाइपोमा। हाँ सो लाइपोमा हुआ था, उसका दो बार सर्जरी हो चुकी है। हाँ, एक बार ठाणे में और एक बार कांसेगर में हुई थी। और उसका हमेशा खंधा है ना दुखते रहता है, खंधा लेफ्ट खंधा ना कौन सा राइट का लेफ्ट हमेशा पेन होते रहता है। मुंगे आते कुछ नस की प्रॉब्लम है शायद मुझे, और उसकी वजह से बार बार वो लाइपोमा उगते रहता है, तो उसके वजह से बार बार वो लाइपोमा आते रहते हैं। वो भी प्रॉब्लम फिर ये खत्म हो गई, ये अभी वापस हुई थी। मैं बताई थी डॉक्टर को, सोनोग्राफी भी निकाले थे, तो डॉक्टर ने बोले कि नहीं कुछ भी नहीं है, वो कुछ नर्व का प्रॉब्लम है, तो दवा खा लेकिन मैंने दवा भी नहीं खाई, तो ये अभी निकला वापस। एक साल पहले भी मेरे को दर्द दिया था, ये होने से पहला शाज होने से पहले है ना मेरे को दर्द दिया था, लेकिन मैंने इलाज करा दो तीन डॉक्टर के पास गए थे हम लोग, इनके पास भी रहते अभी जिसके पास इलाज करा रहे, उनने भी बोले थे ऑपरेशन, उनने बोले थे रुक जाओ, और एक दो डॉक्टर ने तो बोले थे ना। एक्चुअली क्या था ना कि मुझे ये श्योरिटी नहीं थी कि मतलब वही चीज़ है जो ये डॉक्टर ने बोले, तो हम लोग ने एक दो डॉक्टर को और दिखाए थे, तो सेम प्रॉब्लम यही था। तो फिर हम लोग सोचे नहीं चलो करा ही देते ऑपरेशन, एक दो दिन उसने खाई दवा तो अच्छा हो गया, तो फिर हम लोग ने बोला अभी जरूरत नहीं ऑपरेशन कराने की, अच्छा हो गया तो क्यों कराना। फिर वो टाके आएंगे, फिर वो वहाँ पे पूरा उन लोग क्या अपना सर्जरी करते पूरे रिमूव करते हैं। अब है साजिद को ब्रश 15 दिन भी नहीं, 10-15 दिन में बहुत ज्यादा बोल रही हूँ, 10 दिन में एक ब्रश लगता है। तो मैं घसता हूँ ना ऐसा, ऐसा 10 मिनट तक घसता हूँ मैं 10 मिनट तक कोई घसते घस के क्या घसतेगा उसमें, 2 टाइम घसने का जैसा मैं घसती हूँ 2 टाइम, मैं भी 2 टाइम ही घसता हूँ। तुम दो टाइम झूठे, तुम्हें फ्रेंड्स इग्नोर करना, ये टॉपिक चेंज, टॉपिक चेंज, टॉपिक चेंज, एक ही टाइम घसते, टॉपिक चेंज। मैं दोपहर में घसती कि मुझे आदत हो गई दोपहर में, रात में नहीं घसते कितने गंदे आप, छी मुझे नहीं बताता ये चीज। देखो फ्रेंड्स छी बाबा, मैं 2 टाइम तो घसती हूँ ना, 2 टाइम तो घसती हूँ ना, ब्रश करती हूँ ना सुबह में और दोपहर में, सुबह में और रात में किया जाता नहीं, मैं या फिर मेरे ऐसा करो एक ही टाइम घसो 10 मिनट तक घसो। पता है मैं ना 10-15 मिनट भी मेरी आंख लग गई ना तो फिर उठ के मुझे दांत घसना ही है। तो एक्चुअली मुझे प्रॉब्लम क्या है पता है, वो
वो जो आपने बोले ना हड्डी क्या गोश वगैरह बोले तो आपने नहीं बोला मैं बोले। बताता एक्चुअली इसका प्रॉब्लम क्या है। तो गोश में ना इधर एक हड्डी रहती है हमारा, राइट, जो रहता है जो, तो जो में इसके लास्ट में एक टीथ आ रहा है जो कि आधा टीथ अक्कलदार, हाँ अक्कल दांत है, तो विजडम टीथ अक्कल बोलते हैं। निकाली नहीं तो मेरी अक्कल अक्कल निकल शादी रही के अभी बाद से इसकी, अक्कल ही नहीं है। हाँ इसकी अक्कल अभी निकल जाएगी पूरी, हाँ 2 दिन बाद सब अक्कल निकल जाएगी। हाँ तो अक्कल दांत जो है ना इसकी, वो जो में अटक रही है, आधा बाहर निकल रहा है आधा जो में अटक रही है, उसको ऊपर आने को जगह नहीं मिल रही है, जो अटक रहा है जो के वजह से दांत ऊपर नहीं आ पा रहा है, तो बहुत पेन हो रहा है, क्योंकि वहां पे जो मास रहता है ना आपका, गोश जो रहता है अंदर गाल में, उसमें वो टच हो रहा है, तो आप सोच सकते हो कि किस लेवल का पेन रहता है वो, कोई चीज अगर आप कुछ छू रही है वहां पे, तो आप फर्स्ट ऑफ बताओ। ऑल है ना, मुझे कभी मेरे दांत में प्रॉब्लम ही नहीं थी, और ये दांत की प्रॉब्लम नहीं है, हड्डी की प्रॉब्लम है। मेरे दांत माशाल्लाह हाँ बहुत अच्छे ओके, दांत की प्रॉब्लम नहीं है, तो हैं। दांत मतलब ठीक है, दांत नहीं यार आपका, हड्डी हड्डी एक दूसरे से टकरा रही है, तो दांत का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हड्डी की वजह से प्रॉब्लम आ रहा है ना दांत को। हाँ सही है, देखो सही जा रही है। अरे हड्डी दांत का ही इशू है आपको मेन, जो जो दांत बढ़ रहा है जो में आ रहा है दांत में प्रॉब्लम नहीं है मेरी, मुझे मेरे दांत में वो प्रॉब्लम, एक सब ही, दांत दर्द वो देते दांत की हैं। ही प्रॉब्लम इसको काउंट की जाएंगी। अरे लेकिन मेरी दांत नहीं दर्द देते ना इतने, माशाल्लाह अल्लाह का लाख 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 शुक्र है, छोटी सी बड़ी हुई, लेकिन कभी मेरे दांत में पेन अभी नहीं। तो हो गया ना बट, अरे दांत में पेन नहीं हो रहा है अरे जो भी है अपने वो, जो भी है वो दांत का देखो पर अत्याचार हो रहे फ्रेंड्स इसका है ना, मुझे ना पड़ी है यहाँ पे, मैं रिपोर्ट अत्याचार रिपोर्ट कराऊंगा पुलिस स्टेशन में जाके। अत्याचार देखो मेरे ऊपर हो रहे, ऐस अत्याचार गाइस फ्रेंड्स मेरे ऊपर अत्याचार हो रहे होते, मेरे ऊपर, आप लाइव देख मतलब रहे हो ना चार कैमरे पे। लोगों के सामने मेरी इंसल्ट कर डालते उस, जब भी गए किधर पे गए, किधर गए थे वो हम लोग गए थे ये वंडर वंडर पार्क, मॉल, वंडर उधर पार्क। चार लड़कियां खड़े हैं मेरे को बोलते बेवकूफ, मैंने अच्छा सिर्फ आग दिखा दी मैं बताता हूँ, इधर मैं बताता हूँ क्या उधर, हुआ था, उनको नहीं ऐसा नहीं बोला मैंने मैं बताता हूँ क्या हुआ था उस टाइम, क्या हुआ था ना उस टाइम, फिजा जो है वो ओला में बैठी थी, एंड देन ये शाज जो है उसके पास था, तो वो कब से बोल रही है कि इसके जो सामान होता है बोतल दूध की बोतल वगैरह वो सब दे दे, तो वो कब से वो फ्री बैठी है वहां पे, 2-3 बार बोल के गई, मैं भी बोल के गया, वो ओला वाला भी 10 मिनट से खड़ा था, उसे भी लेट हो रहा था, तो वो मैं हाँ, भड़क गया उस टाइम तो पर। मतलब चार इंसान के बीच में बोलने का बेवकूफ, तुम बेवकूफ है तो मैं बड़ा। बोलूँ वो दिमाग वाले, आपने बहुत अच्छा काम किया, आप दे नहीं रहे हो कब से, अरे इंसान को ये सोच, बोलना चाहिए था मुझे। एक तो पहली बात उधर कुछ खाने नहीं मिले, उसमें ट्रॉमा में चले गए, मैं कुछ खाने नहीं मिले, मैं कितना खाती हूँ मानो हाँ तो अभी मुद्दे पे आते हैं कि एक्चुअली में जो मुद्दा। प्रॉब्लम है वो यही मुद्दा है कि जो में उसका दांत फंस रहा था, अक्कड़ दांत जो बाहर आ रहा था, नॉर्मली बाहर आ जाता है बट अगर वो हड्डी में फंसता है तो फिर उसका ऑपरेशन करके ही निकालना पड़ता है, उसके पीछे और कोई इलाज नहीं है उसका। आपको बहुत डर लग रहा है, बहुत ज्यादा डर लग रहा है, थर्सडे को क्या होगा, मेरा मुंह भी कट गया तो। कट गया तो कट गया, उसमें क्या हुआ, हाँ क्या कॉल स्टेपलर से सिला देंगे, स्टेपलर है कर तो उन लोग पास ऑलरेडी। खुद सिला दो, मुझे बहुत मतलब मुझे ना बहुत ज्यादा डर लग रहा है, इसीलिए मैं साजिद को है ना सुबह में मना कर रही थी, बोल रही थी मेरे को नहीं कराने का ऑपरेशन, वो तो होने का फट से हो जाता है, लेकिन उसके डर बाद जो नहीं, एक दांत हफ्ता जो तकलीफ निकलना हो नहीं रही है है। ना हाँ गाइस, दांत निकालना और दांत निकालना चीज अलग होती है, और वो सर्जरी करना अलग होती है, वो कट करके स्टिचेस आएंगे उसके ऊपर, मुंह हाँ में स्टिचेस आएंगे तो खाऊंगी कैसे मैं, आ मेरा मुंह नहीं डॉक्टर खुलेगा। ने बोले 1 हफ्ता एकदम परहेज करना है, एक बहुत ज्यादा परहेज करना है, ज्यादा कुछ नहीं मतलब खाना है, सब खिचड़ी वगैरह एकदम नरम और नरम, वो वो भी मेरे ठंडी, से भी गर्म भी नहीं होता नहीं। है वो खिचड़ी, मैं तो आप पहले 2 दिन लिक्विड पे ही रहो। हाँ मेरे को वो नूडल्स की दुकान से नहीं सूप नहीं वो लाने लिक्विड नहीं, वो मेडिकल में मिलता है ना टैंक वगैरह, वो एंड देन वो दूसरे भी ORS जो आता है उसके ऊपर नहीं, थोड़ा गंजी बहुत पी लेना, मेरे को ठंडी बहुत गंजी, सही दो है। दिन तक तो मुझे लगता है मुंह ही नहीं खुलेगा इसका, हाँ मुंह ऐसा वो रहेगा। डॉक्टर क्या हाँ बोले बोलते, स्वेलिंग आ जाएंगी, बाप रे, स्वेलिंग तो आएंगी ना तीन ऑब्वियसली, चार तो दिन मेडिसिन स्वेलिंग रहेंगे, आएंगी, रिकवर होने 1 वीक लगेंगे, डॉक्टर बोले पूरा 1 वीक आपको केयर करना है। कैसा होगा क्या पता गाइस, देखते हैं अभी क्योंकि मतलब थर्सडे को ऑपरेट है, आज है मंडे, मंडे को हम लोग ये व्लॉग शूट कर रहे हैं, ट्यूसडे वेनेसडे 2 दिन बचा है अभी, देखते हैं कैसा रहता है इसका ऑपरेशन। टेंशन मतलब ऐसा हो जाता है, ऐसा कोई डरने वाली बात नहीं है, सब करते हैं उसमें क्या, अम्मी के भी हुए, बस ये कि 2 दिन मुंह बंद रहेगा, तीसरे दिन खुलेगा शायद से, खुलने की कोशिश करेंगे तो। वैसे नहीं,
पेन भी हो रहा है ना मेरे को, ये मेरा पेन बढ़ते ही जा रहा है, बड़ा मन इन द सेंस कुछ खा रही हूँ तो दर्द दे रहा अच्छा है, मैं बता फिर देता ऐसा हूँ कब। कंटिन्यूअसली दर्द दे रहा है, ऐसा हो रहा है गाइस। अभी क्या मानो, आप लोग बस दुआ करो मेरा सही हो जाए, इतने दिन से दाद 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 दाद, एक बार थर्सडे को गाइस हो गया ऑपरेशन तो फिर इनफ। इसको भी संभालना है। देख हाय करो, हाय सलाम वालेकुम, कैसे हो आप लोग। शम्स तो बोल रहा था उस दिन मुझे ब्लॉगर बनना है बड़ा। ओके इसका भी तो ब्लॉगर बनना है ना गाइस, आपको भी तो ब्लॉगर बनना है ना, कैसे बनोगे आप ब्लॉगर, कैसा शूट करेंगे, बोल दे कैसा शूट करोगे आप। ऐसा देखो ऐसा बता रहा है। ऐसा ऐसा हाँ, उतने देख के शूट करोगे आप। एक्सरे की रिपोर्ट में एकदम क्लियर दिख रहा है। मैं आपको एक्सरे अभी दिखाऊंगा, यहाँ पे नहीं दिखेगा श्वेता, हम सेकंड व्यू कैमरे का स्टार्ट करना पड़ेगा। ओके साजिद आपको दिखाएंगे। तो ये एक्सरे है ना, यहाँ से नहीं दिखेगा, मैं आपको दिखा था क्लियरली, एक्सरे नीचे रख के तो आपको दिखेगा। सो फ्रेंड्स, ये जो है इशरत का एक्सरे है, अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पे, ये वाला दांत है वो, ठीक है। ये जो पार्ट है ना, ये इस तरफ जा रहा है थोड़ा, ये बाहर निकल कोशिश कर रहा है बाहर निकलने की, तो ये जो है ना, ये जो है ये हड्डी है पूरी, इसे टकरा रहा है, तो ये इसे तकलीफ़ हो रही है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है इसे। तो इसके लिए इस पार्ट को, ये दांत को ऑपरेट करेंगे और ये यहाँ से निकाल लेंगे, राइट। एंड सेकंड, यहाँ पे भी आप देखिए, यहाँ पे भी वही पोजीशन है, बट यहाँ पे अभी स्टार्ट नहीं हुई, लेकिन बट फ्यूचर में यहाँ पे भी इसे ये तकलीफ हो सकती है। ना ऑपरेशन में करा रही हूँ एक क्लिनिक में, सिराज डेंटल जा मैं जा रही हूँ ना चेकअप कराने, उधर ही ऑपरेशन कराएंगे। उनने ना ओरल डॉक्टर मंगाए बाहर से, क्या नाम है डॉक्टर डॉक्टर का, अमोल। और प्लीज मुझे सपोर्ट करो गाइस, मुझे कैसे भी करके 4000 आवर्स कंप्लीट करना है, और आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं करो। प्लीज देखिए मेरी वीडियो को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड कमेंट्स भी कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दीजिए। और कुछ लोगों के कमेंट्स हमें आ रहे हैं, उनके लिए हम थैंक यू थैंक बोलना चाहते हैं, कभी फिक्र कर रहे हैं उसके लिए हम लोग थैंक यू बोलना चाहते हैं उनके लिए, और कमेंट्स भी कर रहे हैं जिससे हमें एक बार मोटिवेशन गाइस मिलता है। मेरा ऑपरेशन अच्छे से हो गया ना, तो फिर मैं अच्छे अच्छे व्लॉग्स डालूंगी गाइस इंशाल्लाह, आप लोग चाहेंगे तो जरूर, अल्लाह चाहेंगे तो जरूर। गाइस प्लीज मुझे सपोर्ट करो, और मैं एक हाउस वाइफ हूँ, मैं चाहती हूँ दिखाना चाहती हूँ सबको कि देखो घर के काम के साथ भी इंसान कुछ कर सकता है। एंड सबसे बड़ा ड्रीम है मेरा कि मैं सबको उमरा पे लेके शास। जाऊँ इंशाल्लाह, वो मैं करूंगी इंशाल्लाह, मैं करूंगी, मैं मेरा ड्रीम है, साजिद का वो करेंगे, लेकिन ये मेरा ड्रीम है कि मैं खुद मेरे पैसे से सबको, मेरे अम्मी अब्बा, मेरे सास ससुरे, देन मेरे बच्चे लोग, साजिद का तो नहीं होगा, साजिद वो अपना अपना करेंगे, मैं खुद मैं इसे बताऊंगा। सपोर्ट करता हूँ। हाँ फ्रेंड्स प्लीज, आप भी इसे सपोर्ट एंड कीजिए। मैं इंस्पायर किससे हो आप लोग को पता है, नाजिया दीदी से इंस्पायर, मैं उनके व्लॉग्स है ना बहुत पहले से देख रही हूँ, स्टार्ट से देख रही हूँ मैं, कल से बहुत उसने ना ज्यादा वो पहले से। एक बारिश वाला व्लॉग मुझे बताई थी कि नहीं बारिश का पानी घर में आ रहा था उनके। हाँ वो नहीं, वो उससे पहला जब वो व्लॉगिंग स्टार्ट किए थे ना, जब से मैं उनके व्लॉगिंग देख रही हूँ, मैं तो देखता नहीं मैं था, तो बट बहुत इसने छोटी एक थी। दिन मुझे हाँ दिखाई तो बोला हाँ यार ये कुछ है, मतलब क्यों इतना गरीबी में रह रहे बेचारे, फिर अभी माशाल्लाह अल्लाह ने उनको बहुत कुछ दिया है। हाँ तो मैं उनसे इंस्पायर हूँ, ब्लॉग करने का पहले से इंटरेस्ट था, मैं सोचती थी यार इन लोग ब्लॉगिंग करे मैं भी एक दिन करूंगी, तो क्या करती हूँ पता है, काम करती हूँ थोड़ा बैठती हूँ फिर एक ब्लॉग देखती हूँ, फिर काम करती हूँ थोड़ा बैठती हूँ फिर दूसरा, मैं इंतजार करती थी सबके कब ब्लॉग बने, तो थोड़ा 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 सबका सब कुछ सीख रही हूँ मैं, सबसे सीख के ही मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट की हूँ, मेन मैं नाजिया दीदी से सीख के ब्लॉगिंग। सो ये ब्लॉग मैं यही एंड कर रही हूँ, और प्लीज सपोर्ट मी, एंड मैं क्या बताया इसके बाद ऑपरेशन के बाद तो डाल दूंगी, लेकिन ऑपरेशन से पहले कोई ब्लॉग शूट होता है कि नहीं, अगर हुआ तो डाल दूंगी इंशाल्लाह। सो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल इशरत फैमिली ब्लॉग्स, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।